हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दादी माँ की रसोई में। दोस्तों, आज हम अपनी रसोई में बना रहे हैं आम का सूखा अचार, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी होता है और ये सालों साल तक ये खराब भी नहीं होता है। इस तरीके से आप भी बना करके देखिएगा। सबसे पहले हमने आम को अच्छे से धुल के उसको आमचीरा की मदद से इस तरीके से हमने काट लिए हैं और आम के कली की साइज़ आप अपने अनुसार रख सकते हैं। आपको जितना छोटा या बड़ा करना हो, हमने इतने छोटे छोटे रखे हैं। और इनकी जो गुठलियाँ होती हैं और गुठली के नीचे जो एक और पात होती है, उनको भी अच्छे से निकाल देना है, क्योंकि उसी वजह से और भी। तो हमने इस तरीके से इसके पीस कट कर लिए और इनकी गुठलियाँ और छिलका भी हमने निकाल लिया है। अब इसको हम दिखाएँगे धूप। उससे पहले हमको इसमें डालना है हल्दी और नमक। इससे ये होगा, हल्दी से कलर अच्छा आ जाएगा, पीला हो जाएगा, और नमक से जितना इसमें पानी होगा ये पानी छोड़ देगा, जिस वजह से पानी की वजह से हमारे आम खराब हो जाया करते हैं। दोस्तों, तो दे आप हम दिखा रहे, देखिए इस तरीके से निकाल देना है। और इसमें अच्छे से नमक अभी थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे, इसलिए हमने अभी उतना नहीं लिया, बाद में भी थोड़ा डाल देंगे नमक। तो बस इसको हम अब रखाएंगे धूप में सूखने के लिए। और सूखा अचार बनाने के लिए धूप में कम से कम 2 दिन सुखाना चाहिए। अगर धूप आप नहीं दिखा रहे हैं, नीचे अगर पंखे के नीचे रख रहे हैं, तो 3 दिन, 3 दिन में भी सूख जाता है, बढ़िया हो जाता है बिना धूप के पंखे में। लेकिन अगर धूप हो आपके यहाँ आंगन, देखिए हम छत में रखा है, तो धूप में जरूर सुखाइएगा इसको 2 दिन तक। तो इस तरीके से हम सुखा ले रहे हैं। अब 2 दिन हो चुके, सूख चुके हैं, यहाँ मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिया है सौंफ 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच मेथी लिए हैं और 3 चम्मच काली सरसों लिए हैं और जीरा। इन सभी को अच्छे से भून लेना है। भूनने से ना इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। देखिए, हम ये सभी चीज़ें अच्छे से भून ली हैं। हालांकि मसाला बाजार में भी मिलता बना बनाया, लेकिन अगर घर में बनाएंगे आप अपने हाथों से, तो अचार में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ जाता है। ये देखिए, हमने सबको भून लिया है। अब इनको हल्का हल्का महीन महीन पीस लेना है और जो काली सरसों है उसको कूट लेना है। इससे काला छिलका थोड़ा थोड़ा निकाल लेना है हम लोगों को। आप देख सकते हैं, हम निकाल ले रहे हैं इस तरीके से। और ये देखिए, हमारे 2 दिन में ऐसे अचार सूख के हुआ है और ये पीस गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं, हमने मसाला पीस लिया है। अब हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन में तेल जब अच्छे से गर्म हो गया, तब हमने अपना ये मसाला जो पीस के रखे हैं, खड़ी धनिया, जीरा और सौंफ को और ये सरसों, इन सभी को अच्छे से इसको तेल में डाल के थोड़ा सा पका लेना है। और हम थोड़ा सा चटपटा करने के लिए इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा कलर के लिए हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे। कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, एकदम स्किप कर सकते हैं। और अगर आप चटपटा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, नहीं खाना चाहते तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो और इसको भी अच्छे से हमको थोड़ा सा भून लेना है। जब अच्छे से भून जाएगा और तेल पका हुआ रहेगा, तो हमारा अचार और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि तेल पकने से हमारा अचार ख़राब नहीं होता जल्दी दोस्तों। और हमने इसको अच्छे से सुखाया भी है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अचार हमारा ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा काला नमक डाल दे रहे हैं, बाकी अभी सफ़ेद नमक तो हम डालेंगे ही। तो अब हमने जो अचार सुखा के रखे हैं उसको हमने एक बड़ी सी पात में रख लिया है और हमने अपने मसाला उसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि सभी अचार की कलियों में सभी में लग जाए। और ये आप निष्फिक्र रहिए, सालों साल ये अचार चलेगा, आप इसको टेंशन मत लीजिए। और ये देखने में भी बहुत प्यारा है और खाने में भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट अचार बनेगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं दोस्तों, और जिस बर्तन में हमको रखना है उसको अच्छे से धुल के अच्छे से सुखा लेना है, क्योंकि पानी एक भी बूंद नहीं देना चाहिए। अगर पानी रह जाता है तो बस पानी ही मेन होता है इसमें, ख़राब करता है हमारे अचार को। अगर आपने पानी उसमें एक नहीं रखा, तो अचार आपका बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपका अचार सालों साल चलता रहेगा। देखिए, अब हमने लास्ट में और सफ़ेद नमक ऐड कर दिया है, बाकी अब इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से बर्तन में भर देंगे। कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग को याद दिलाते हैं, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ा सा तेल और गरम करके अच्छे से इसमें डाल देना है और मिक्स करके डिब्बे में रख देना है। अचार में थोड़ा तेल
रहता तो अचार स्वादिष्ट बना रहता है, इसलिए तेल की मात्रा कम मत करिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल में नए हो तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी ही न्यू रेसिपी मिलती रहे। तो देखिए हमारे अचार एकदम रेडी है डिब्बे में रखने के लिए। अब हमने इसको रख दिया, डिब्बे को हमने अच्छे से धुल के सुखा लिया है। आप किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं, अगर आपके पास कांच का जार है तो उसमें भी रख सकते हैं, बस अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।